turn on notification bell. Don't miss latest update. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये इंडियन आर्मी की ओर से जारी किया गया है और इसमें एक नई रिक्वायरमेंट आई हुई है। जो ये पोस्ट है इसमें जूनियर कमिश्नर ऑफिसर की इसमें पोस्ट है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसी की सभी डिटेल देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन समय से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, वेब पेज है और आपको इस पर आने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस पर आ सकते हैं। जो ये नई रिक्वायरमेंट आई हुई है इंडियन आर्मी JCO रिक्वायरमेंट 2017, यानी कि जूनियर कमांडेंट ऑफिसर की इसमें रिक्वायरमेंट आई हुई है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 72 पोस्ट है, 35 में टोटल पोस्ट है। जो पोस्ट नेम है जूनियर कमिश्नर ऑफिसर की इसमें पोस्ट है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जिसमें ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, डिग्री यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट डेट है स्टार्ट होने का, जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है जब से 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की वो 8 नवंबर 2017 है। जो एग्ज़ाम डेट है आपकी वो पर एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट है जो आपको इसमें थोड़ा टफ पड़ने वाला है, क्योंकि मिनिमम जो एज मांगा है 27 ईयर मांगा है और मैक्सिमम 34 ईयर आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल, तो फिजिकल में आप कम से कम 1.70 आपकी हाइट होनी चाहिए, 1.70 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और जो आपकी रनिंग होगी वो 1600 मीटर रनिंग इन 5.6 मिनट में आपकी होनी चाहिए, 5.545 मिनट्स में आपको आपकी रनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। जो पे सैलरी है 34,400 से लेकर 1,12,400 तक ग्रेड पे रहेगा। और जो आप हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आपको इसमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, और 8 नवंबर से पहले आपको इनकी वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो आपको सबसे पहले इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, इसी प्रकार से इसका सभी प्रोसीजर चलेगा। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेब पेज पर आना होगा, आने के बाद इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन इस पेज का मिल जाएगा आपको। मिलने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगर आप इस वेब पेज पर नहीं आना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे ही ये सभी लिंक मिल जाएंगे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप ये डाउनलोड हो जाएगा, डायरेक्ट लिंक है ये PFD का। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आ चुका है आपका, इसमें आप सभी डिटेल रीड कर सकते हैं, आपको इसमें सभी चीज़ें मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका आप इसको अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप अप्लाई के लिए आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है, जॉइन इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आपको यहाँ सबसे पहले अपने यूजर नेम पासवर्ड देना होगा और कैप्चर फिल करना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले अपना। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए करेंगे तो आपसे यहाँ पर कंटिन्यू कुछ ये इनकी टर्म एंड कंडीशन है, तो आपको ये फॉलो करना है। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड, कैंडिडेट फॉर्म, यहाँ पर फादर, मदर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पर आई एग्री करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ये सभी डिटेल आपकी यूजर नेम और पासवर्ड भेज देगा। इसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपसे कुछ और भी डिटेल ली जाएगी, आपको भी फिल करनी होगी इसके लिए। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इस चैनल पर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पर डे 2 वीडियो पोस्ट करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।